बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अलीसे और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज़। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के जेरे इलाज नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है कि मेडिकल बोर्ड नई रिपोर्ट्स का मुआयना करके जो भी हदायत जारी करेगा उस पर हुकूमत अमल करेगी। नवाज शरीफ को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का कोई फैसला नहीं किया गया। राणा सनाउल्ला कहते हैं हुकूमती वजीर अपनी खराब कारकर्दगी से आवाम और मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वावडा के बयान पर उन्होंने कहा बेमियारी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को जमानत मिली तो क्या ये कहा जाएगा कि डील करके जमानत दी गई। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। एक आइडियल उस्ताद के रिटायर्ड होने पर रिक्कत आमेज मनाजिर। बताया जा रहा है कि ये मनाजिर सिंध के शहीद बेनजीर आवाज जिला के नया मदरसा प्राइमरी स्कूल के हैं, जहां रजा साहब नामी इस आइडियल उस्ताद के रिटायर्ड होने पर शागिर्द उसे रोते हुए अलविदा कर रहे हैं। बच्चों की ये मोहब्बत उस्ताद को भी रोने पर मजबूर कर रही है। सांगला डीपीओ ननकाना मोहम्मद नवीद की हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। थाना सदर सांगला हल पुलिस एसएचओ सब इंस्पेक्टर तसव्वुर मुनीर ने अपने हमराह इंचार्ज होम साइड टीम सर्कल सांगला हल के साथ अंधाधुंध कत्ल ट्रेस करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मुल्जमान ने मकतूल सुफियान को बजरिया फायर करके कत्ल कर दिया। मुल्जमान शौकत अरफ बिल्ला, मोहसिन रजा और शकीला बीबी ने एतराफ जुर्म करके आला कत्ल भी बरामद करवा दिया। मुकदमा दर्ज। बहावल नगर दरियाए सतलुज भूखा पतन पुल के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावल नगर साफियों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा हूँ। सदर प्रेस क्लब बहावल नगर कासिम अली शेख, सीनियर सहाफी और साबिक सदर प्रेस क्लब मिर्जा कामरान बेग की जानिब से डूगा बूंगा मिर्जा अनवर बेग के फार्म हाउस पर नौ मुंतखब काबीना और अरकान के एजाज में पुरतकल्लुक सहराना दिया गया। सहराने के मौके पर सदर प्रेस क्लब कासिम अली शेख ने वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के मेम्बरान से खिताब करते हुए कहा कि साफियों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। एक सहाफी की पहचान उसके काम से जानी जाती है। इस मौके पर सीनियर कर्मकार तारिक हफीज, राना साकिब, वसीम सरवर, सैयद फरहान शाह, नजीर शाहीन, ताहिर करीब, वहाब खान लोधी, मिर्जा कामरान बेग, गुलजार अहमद, इमरान मुबीन, अहमद रजा कुरैशी और दीगर ओहदेदारान और मेम्बरान भी मौजूद थे। नजर डालते हैं खेलों की दुनिया में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच वकार यूनस कहते हैं कि कौमी टीम का बनना बड़ी जिम्मेदारी है। सरफराज अहमद में वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर लाने की सलाहियत है। जानते हैं मुल्क के मौसम का हाल। कराची में फिर सर्द हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सखर, लाड़काना डवियन, पिशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, कोहार, गिलगत बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सवात, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपर दीर, मरी, गलियात, गिलगत बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.satlujnews.com।